कि देश की संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं उदित राज। और भले ही पूरे देश के लिए संसद भवन जिसका उद्घाटन होने वाला है, मेरे कहने का मतलब है कि नई संसद मुद्दा न हो, लेकिन जो ताकतें सामाजिक न्याय की हैं और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय देश में बन गया है कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। ये सरकार स्थलों का नाम, जिलों का नाम, भवनों का नाम बदलने में कोई संकोच नहीं करती है। इलाहाबाद, अलीगढ़, मुगलसराय, फैजाबाद, ये नाम बदल दिया, 23 एम्स के नाम बदल रहे हैं। हम लोगों को यह भी पता लगा कि गोलवलकर ये संघ और बीजेपी के लोग इन्हें गुरु गोलवलकर कहते हैं। हेगड़ेवार के बाद में दूसरे सर संघ चालक संघ के गोलवलकर जी थे, उनकी बड़ी मान्यता है। और जिन्होंने ये कहा था कि पूरे जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आजाद भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, अर्थात अगर इनको सत्ता मिलती तो इससे बेहतर कि अंग्रेजों की गुलामी पूरे जीवन में करें, उनके नाम से नई संसद भवन की चर्चा है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चर्चा है। हमारी मांग है कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। 2 साल से लगातार अभियान हम लोगों ने चला रखा है, एक आंशिक सफलता हमें मिली है। हमारे सहयोगी महेश्वर राज ने एक बड़ा आंदोलन चलाया तेलंगाना में, और तेलंगाना की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज दिया है कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। 800 एमपीओ को लेटर लिखा गया है, मेरा खुद का दौरा कई राज्यों का हुआ है। डॉक्टर ओम सुधा या तमाम सारे लोग, हमारे साथी रतन लाल जी, मैं इस समय सबका तो नाम नहीं ले सकता हूं, सब ने काफी प्रयास कर लिया है। और 15 अक्टूबर एक अंतिम तारीख दी गई थी इस सरकार को कि घोषित करे कि इस नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, लेकिन वो मियाद खत्म हो चुकी। अब 28 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली हो रही है। मैं और भगवानों को तो नहीं जानता हूं, वहां हैं बहुत सारे भगवान इस देश में, 33 करोड़ देवी देवता भी हैं, कई साल हजारों वर्ष से हैं, उनका वास है। लेकिन एक चीज जरूर मैं जानता हूं कि अगर दलितों का उद्धार हुआ, आदिवासियों का उद्धार हुआ, वो एक सिपाही क्लर्क से लेकर के सेक्रेटरी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुखिया, सरपंच, पार्षद अगर बने हैं, तो आरक्षण की वजह से वो बाबा साहब की देन है। इस भगवान को पता नहीं कितने लोग मानते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं। जैसे लोग दूसरे अपने 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 भगवानों के लिए मर जाते हैं, कट जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, पूरा जीवन गृहस्थ जीवन त्याग कर देते हैं, पूरा घर लुटा देते हैं, जायदाद बेच करके यज्ञ करते हैं, उसी तरीके से जो सामाजिक न्याय वाले हैं और डॉक्टर अंबेडकर के जो फॉलोअर हैं,
निकल करके बाहर आना चाहिए 28 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में। ये सब का है, किसी एक का नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आए, अरे अपने मसीहा अपने भगवान के सम्मान की मांग करे कि देश की संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। साथियों, हम लोगों ने पोस्टर जारी किया है, ये पोस्टर आप देख सकते हैं, और मैं अपना फोन देता हूं। फोन नंबर है 8789325595। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर से दोहराता हूं, 8789355595। इस पर डॉक्टर ओम सुधा जी मिलेंगे। फौरन संपर्क करें, अभी से तैयारी करें अपने साथियों को लेकर के शामिल होने के लिए। धन्यवाद। 28 तारीख को रामलीला मैदान में 11 बजे आपसे मुलाकात होगी, आपके सभी साथियों के साथ। धन्यवाद।